नमस्कार, स्वागत आपका के आर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाकर। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस चुनावी मुद्दे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरा हुआ है। तो इसी कड़े में फतेहाबाद के जोन नंबर एक से मैं आपको आज जो है वो मुलाकात करवाऊँगा, मिलवाऊँगा। कमल बिस्ला हैं जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं जिला परिषद सदस्य के चुनाव के लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं आज की आखिर क्या कुछ मुद्दे लेकर के ये चुनावी मैदान में आए हैं। कमल जी, सबसे पहले तो स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी, गांव ठुइया के पवन धरा पर पहुंचने पर आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि हरियाणा का, बहुत धन्यवाद। पवन जी अगर बात करें तो कमल बिस्ला जी माफ़ कीजिएगा, कमल जी अगर बात करें तो चुनावी मैदान में आने का मुख्य उद्देश्य रीजन क्या है? जी मैं राजनीति के अंदर इस चुनाव के दौरान नहीं आया हूँ, मुझे राजनीति के अंदर लगे हुए लगभग हो गए 7-8 साल। कॉलेज जीवन से मैंने शुरू की, सार ध्यान कॉलेज में मैं प्रधान रहा। उसके दौरान छात्रों की कोई मांगे थी, कोई एडमिशन की होगी, फीस की होगी, उनमें मैं लगा रहा। जैसे भी मुद्दे कॉलेज के जोर के हैं, कोई धरना प्रदर्शन है, कोई मांग पूरी करवानी है, किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो वहाँ से मैंने बीकॉम की शारदे आनंद कॉलेज से। उस समय से मैं 3-4 साल वहाँ पर लगाए। उसके बाद मैंने चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय में सिरसा में एडमिशन लिया बीकॉम के अंदर लोक प्रशासन से। तो उसमें 1 साल प्रधान रहा और उस दौरान भी जो भी मुद्दे बच्चों के या नौजवान साथियों के, टीचर्स तक के मुद्दे हमने यूनिवर्सिटी में उठाए और आप भी वहाँ पर मौजूद रहते थे, तो उस दौरान वह संघर्ष चला। उसके बाद में किसान आंदोलन आया अपने, किसान आंदोलन में जी पूरे तन मन धन से 20-25 गांव पड़ते हैं हमारे ब्लॉक के, सभी गांवों में मैंने जाकर एक एक गांव में लोगों को जागरूक किया। उसके बाद में धरने प्रदर्शन और आंदोलन बना रहा और उसके बाद में मैंने जिला परिषद के चुनाव में आया हूं। तो इसलिए लंबा सफ़र है, कोई इस चुनाव के दौरान राजनीति में नहीं आया, क्योंकि राजनीति में मेरा मानना है समाज सेवा से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ा माध्यम समाज सेवा का अगर कोई है तो राजनीति है, इसलिए मैंने इसे चुना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप गांव-गांव जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप इस बाकी तो एरिया ही आपका यही है, इसी जोन में आपका गांव पड़ता है, तो लोग समस्याएं जो वो किस तरह की बता रहे हैं इलाके में? जी समस्याएं सबसे बड़ा तो किसानी का एरिया है सारा ही लगभग, तो किसानों से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा समस्याएँ हैं कुछ। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या सेम की है, काफ़ी गाँव में सेम की दिक्कत है, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे इलाके के अंदर। फिर जो किसानों के मुद्दे होते हैं, कई फसल खरीद ना होना, कई उखाड़ा नाले पक्के ना होना, जैसे मतलब रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, वो भी बड़े मुद्दे हैं इसके अंदर। तो मेरी कोशिश है भी सबसे प्रथम तो किसानों के मुद्दे, उसके बाद नशे का बड़ा इन 4-5 साल में बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि नशा हमारे एरिए के अंदर पहले नहीं था, अब 4-5 साल में गतिविधियाँ नशा बेचने वालों की बढ़ी है और उसके कारण इलाके में नशे के चपेट में आने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ी है। तो एक नशे को ख़त्म करना ये मुद्दा लोगों का है। तीसरा रोज़गार का मुद्दा है नौजवान साथियों का, छात्राओं का, क्योंकि रोज़गार की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या भी बढ़ रही है और जो अवसर है वो कम हो रहे हैं, इस कारण एक रोज़गार का बड़ा विशेष मुद्दा है। गरीबों का राशन कार्ड की समस्या है, उनको नरेगा की समय समय पर काम मिलने में समस्या, जैसे जनसाधारण के बहुत मुद्दे हैं, उनसे लगभग मेरी बातचीत जब भी होती है तो मेरी कोशिश रहती है भी उनकी क्या समस्या उसको सबसे पहले जाने, क्योंकि तभी हम उसका निस्तारण कर सकते हैं और उसका वही हल कर सकते हैं। नशे का मुद्दा भी आपने बताया, तो नशे के मुद्दे को जो है वो मुद्दा अगले चुनाव तक ना रहे, इसके लिए आप अपने जोन में किस तरह के प्रयास जो है वो आपके द्वारा किए जाएंगे ताकि युवा जो है वो नशे से दूर रहे? इसके लिए जी मैंने तो जिला परिषद में खड़ा होने से पहले भी प्रयास किए, मीटिंग की, कई नौजवान साथियों से बातचीत की, कि गांव में मीटिंग भी की, कॉलेज दौर से ही शुरू की थी, नशे के खिलाफ एक मुहिम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके बाद में अब कुछ दिन पहले ही पिलिमदोरी गांव के नौजवान साथियों ने बड़ा बढ़िया नशे के खिलाफ लोगों को एकत्रित किया इलाके के 10-15 गांव से, और डीसी साहब को हमने ज्ञापन दे के आए थे भी नशे की जो नशाखोरों की जो तादाद बढ़ रही है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। तो डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया और मेरी तो कोशिश है जी अगर जिला परिषद पार्षद बनने का मुझे अवसर मिला तो गांव दर गांव मीटिंग करके लोगों को जागरूक करके, पहले तो ये अभी नया बच्चा इसमें ना जाए, सबसे पहली प्रथम तो पहल ये रहेगी। दूसरी ये जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ आम आदमी आवाज़ उठाने से डरता है,
तो मुझे अगर अवसर मिला एक पार्षद बनने का तो मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर उनको पकड़वाऊंगा। और तीसरा जी भी जो लोग नशे में आ चुके हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर हो चाहे नशा मुक्ति केंद्र, इनके अंदर छुड़वा कर अपने खुद का अगर वो नहीं कर सकते तो खुद नौजवानों के सहयोग से उन्हें दोबारा आम जीवन में लाने की कोशिश मैं करूँ। ठीक है। इसके अलावा आपके जोन में जो है वो 10 गांव के लगभग गांव आते हैं, तो उन गांव के अंदर शिक्षा की और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो कैसी जी? मेरे दो मैंने शुरू में जो मेरी वादा लिखा था उसमें मेरा प्रथम ये था शिक्षा, फिर सरकारी स्कूलों को सुधारना, प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाना, ये मेरा एक प्रथम वादा था। और दूसरा वादा था मेरा खेलों का, भाई गांव दर गांव में खेल की सुविधा को सुधारना। शिक्षा स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है जी, स्वास्थ्य तो उन मुद्दों में है जो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो स्वास्थ्य भी एक मुख्य मुद्दा है। तो 3-4 मुद्दे ये मैंने प्रथम शुरू से जब से 2-3 साल से खड़ा हुआ, मेरी कोशिश है सरकारी स्कूलों को सुधारा जाए। मेरे गांव में सरकारी स्कूल है उसमें हमने नौजवान साथियों ने 2-3 साल में सुधार किया है। सबसे प्रथम तो सुधार उसमें हमने ये किया है कि गांव के सरकारी स्कूल में 2-3 साल पहले 10वीं क्लास के अंदर 31 में से 1 था या 2 बच्चे पास थे, हमने 2 साल मेहनत की, अब 21 में से 17 बच्चे पास है, एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट में मेरिट में भी है। स्कूल में सारी सफाई की, हाँ सफाई करी है नौजवान साथियों ने मिलकर करी है, नरेगा के साथियों का सहयोग लेकर करी है, तो बिजली की पानी की जैसी भी समस्या थी, और एक टीम बना रखी है जो टाइम टू टाइम स्कूल में जाकर संभाल रखती है। ऐसी ही टीमें 10 गांव के अंदर बनाई जाएंगी। हाँ मेरी ये सोच है जी भी, ये सुधार मैंने गांव में किया है नौजवान साथियों के सहयोग से, तो मेरी कोशिश अभी 10ों गांव में ये सुधार हम सरकारी स्कूलों में करें। और एक खेल के अंदर हमारे इस गांव के सरकारी स्कूल के पीछे ग्राउंड है, हमारा पुराना ग्राउंड है, उसमें 2 साल पहले 7-8 लड़के खेलने जाते थे वॉलीबॉल, आज हमने 2 साल बाद में आप शाम को कभी भी हमारे गांव से गुजरोगे तो लगभग 100 के करीब लड़के लड़कियां छोटे बच्चे जो 15 साल से कम के हैं वो आपको खेलते हुए मिलेंगे। और कुछ दिन पहले ही 2-3 लड़कियों का हरियाणा की नेशनल खो खो टीम में भी सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा प्रयास है भी इन 2 चीज़ों को इलाके में सुधारें। तो स्वास्थ्य जैसे बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य तो सरकार के स्तर का है जो सरकारी में हम मांग कर सकते हैं, परंतु ये 2 चीज़ें हैं ये हम अपने स्तर पर भी सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल मेरे दिमाग में भी, इन चीज़ों में सुधार करना, और मेरा वादा भी यही। लगभग गांव में जाते हैं तो वहाँ पे सुबह सुबह के समय में जो है वो बसों की सुविधा बहुत कम होती है, जिससे कि कॉलेज जाने वाली लड़कियों को लटक के जाना पड़ता है, तो ऐसा कुछ आपके यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा, तो उस समस्या को सुधारने के लिए क्या प्रयास? हमारे इलाके के अंदर ये समस्या थी पहले, मुझे कोविड के बाद में कोरोना के बाद में नौजवान साथी मिले डाबी के जान ला के ठुइया के, उन्होंने कहा कि हमारी बस बंद हो गई है जो पहले आती थी, एक बस आती थी सुबह बट्टू जाने के लिए कागदाना से बट्टू, उसके बाद में लगातार 5-7 दिन मैंने जीएम साहब के पास गया मैं, तो उनसे हमने मांग की गांव के लोगों को लेकर गया, तो 2 बसें शुरू हो गई, एक तो कागदाना से बट्टू की 8 बजे की, एक वापस 3 बजे की, 2 बसें वह शुरू हुई। एक गदली का रूट नहीं था पहले, जो दैयड़ से एक बस चल के वाया रामसरा जाती है बट्टू, तो उसमें गदली का रूट ऐड करवाया भाई, यहाँ से गदली के बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। फिर ठुइया से बट्टू से सिरसा बस जाती है वाया ठुइया होके, ठुइया रुपाना होके, तो वो बस कोविड के बाद में वो भी बंद हो गई थी, तो 2 बस थी, वो दोनों बस शुरू करवाई है, जो सुबह 9:15 बजे आती है और 10:15 वापस सिरसा जाती है, और एक दोपहर को 2:15 आकर 3:15 वापस सिरसा जाती है। उससे क्या है कि जो इलाके के 5-6 गांव हैं उनको अगर सिरसा जाना हो तो ठुइया आकर वो छोड़ सकते हैं। तो मेरी कोशिश है जी भी सरकारी यातायात इतना सुगम बनाया जाए भी लड़के लड़कियों को ये दिक्कत ना आए भी बस में लटक कर जाना पड़े। ठीक आगे भी है, तो अभी 4 बस चली है, मेरी कोशिश है अभी समय दर समय भी जिस समय कॉलेज की छुट्टी हो, एक तो उस समय बस हो, सुबह कॉलेज लगने के टाइम पे एक बस हो, तो ये विशेष सुविधा और की जाए। अभी आपने जिक्र किया कि किसान आंदोलन में आपकी अच्छी खासी अग्रणी भूमिका आपने निभाई थी, इस इलाके के अंदर जो है वो लोगों को जागरूक किया था, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में आपको मिलेगा? बिल्कुल जी, जागरूक लोग हैं, नौजवान तो बहुत जागरूक है इसके प्रति, हमारा पूरा हरियाणा ही जुड़ा हुआ था उस आंदोलन से और नौजवानों का तो बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग था। और उस आंदोलन के दौरान एक विशेष चीज़ ये रही कि अगर कहीं पर मंच लगा वहाँ पर जाके 4 शब्द कहने आसान काम है, जब वो पीपली में लाठीचार्ज हुआ तो पीपली लाठीचार्ज जब लोग जानते नहीं थे 3 कानून क्या है और किस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है,
उसके बाद में मैंने गांव से 15-20 बुजुर्गों को लिया, 5-7 नौजवानों को लिया, और हम 20-25 गांव में गांव दर गांव चौक में मीटिंग रखी, लोगों को जागरूक किया भी ये चीज़ है और हमें इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके बाद इन लोग जागरूक भी हुए, भट्टू तहसील के आगे 4 दिन धरना चढ़ा 16 से 20 सितंबर 2020। सबसे बड़ा धरना और कामयाब धरना भट्टू ब्लॉक का लगभग पिछले 15-20 सालों में वो धरना रहा। उसके बाद में जहाँ पर भी 100-200 आदमी जैसे भी किसान यूनियन की कॉल होती, फतेहबाद और भट्टू हमने एकत्रित किए। उसके बाद में सिरसा की एमपी साहिबा श्रीमती सुनीता दुग्गल जी का रोड शो था, ट्रैक्टर काफिला था, उसके खिलाफ हमने झंडे दिखाए, बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाई किसानों की। तो उसके बाद में दिल्ली भी काफ़ी बार मैं गया उस आंदोलन के दौरान, तो उस आंदोलन का बिल्कुल जी लोग जागरूक हैं और जो किसान के लिए लड़ाई लड़ी है उसका बिल्कुल मुझे लोग आज भी कहते हैं भी पूरे इलाके के अंदर नौजवानों में भी मैंने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया, तो उसका बिल्कुल सहयोग करेंगे लोग। अभी इस वक्त में अगर बात करें तो किसानों से संबंधित बात चल भी रही है और किसानों को डीएपी खाद को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो अगर आप जिला परिषद सदस्य बन जाते हो तो इसका समाधान आप नहीं कर सकते लेकिन करवा सकते हैं, तो वो किस तरह से करवाने का प्रयास है? बिल्कुल जी, किसानों को डीएपी की समस्या आ रही है, बहुत से किसान मुझसे मिले भी, कईयों के फ़ोन आते हैं, जैसा संभव हो सकता है उनकी मदद करते हैं। तो आगे आने वाले टाइम की बात है तो मेरी तो कोशिश ये है अभी एक तो पूरा रिकॉर्ड रखा जाए भी किस प्रकार कितने डीएपी कहां पर मिल रही है, कम ज़्यादा ना, और दूसरी ये तो कौन कौन लोग लेके जा रहे हैं। कई बार क्या होता है दूर से लोग आते हैं, एरिए के नहीं होते तो ले जाकर स्टॉक कर लेते हैं, तो उस चीज़ की पूरी जागरूकता के साथ सोसाइटी के अंदर और जहाँ भी पूरी जागरूकता के साथ पूरे रिकॉर्ड की देखभाल करी जाए, और सरकार से भी समय समय पर भी इतनी मांग हर वर्ष हमारे है तो उसके खिलाफ उसके लिए ज़रूरी ज्ञापन दिया जाए, मांग रखी जाए, तो उस प्रकार से मेरी कोशिश रहेगी भी ये समस्या आगे ना आए। पीछे जितनी बार आई है मैंने, चाहे जांडवाड़ा हो चाहे भट्टू हो, हर बार वहाँ पर जाकर लोगों को मदद की है मैंने, भी डीएपी मिले उन्हें समय पर, क्योंकि किसान भी सुबह 4-4 बजे आकर बैठे डीएपी लेने के लिए, ये बड़ी दुखद बात है भी ज़मींदार को रुपए देने और चीज़ लेने के लिए लाइन में लगना पड़े। तो प्रयास तो मेरे हैं भी किसान से जुड़ा तो कोई मुद्दा हो, क्योंकि समय मैंने खेती की है तो मुझे पता है भी किसान का क्या दर्द है और किसान के साथ क्या ठगी हो रही है, तो उसके खिलाफ तो मैं पुरजोर तरीके से भी लड़ाई लड़ने के तैयार हूँ। अभी अगर बात करें तो अंत में जो है वो आपके इलाके के लोग जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज क्या अपील करना है? मैं तो जी इलाके के लोगों से एक तो हाथ जोड़कर वोट की अपील करना चाहता हूं, और दूसरा ये है जी मैं कहना चाहता हूं भी मेरे सामने उम्मीदवार कौन है आप उनको देखिए। हमेशा वोट 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है, वोट हमेशा आदमी का मूल्यांकन करके डालना चाहिए, आदमी की काबिलियत देखो जो उम्मीदवार है उसकी, और उसके आधार पर वोट डालो, क्योंकि एक वोट आपके आने वाले बच्चों का भविष्य संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जिला परिषद का वोट है, जिला परिषद का सदस्य अगर अच्छा चुना जाए, काबिल व्यक्ति चुना जाए जो समाज में सुधार करना चाहता हो, तो बहुत बड़ा अवसर समाज में लोगों को जागरूक करके, इतने ग्रांट उसके पास नहीं होती परंतु वो ग्रांट ला सकता है, ग्रांट लगवा सकता है, कहकर लोगों में समाज में जो बुराइयां उन्हें मिटा सकता है, भी एक जनप्रतिनिधि का काम कर सकता है अगर सही तरीके से लोग चुने। आप उनका पता कीजिए, मैं तो लोगों को कहना चाहता हूँ भाई 4-5 साल की मेरी मेहनत देखिए आप और उनकी मेहनत देखिए, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, और उसके आधार पे आप मुझे वोट डालिए। जो एक व्यक्ति 2 बंदों के सामने माइक में ना रख सके अपनी बात, आप मेरे समक्ष बैठे हैं, मैं आपके सामने अगर ना बोल सकूँ तो मैं कल DC के सामने क्या बोल दूँगा, कल SP के सामने कोई काम हो तो मैं क्या रख दूँगा। तो जो उम्मीदवार है वो इतना काबिल नहीं है अभी अपनी बात माइक में रख दे, 2 बंदों के सामने रखनी है, कल को 500 आदमी एकत्रित हों तो उनके सामने कैसे रख पाएंगे वो, और DC SP के सामने कैसे रख पाएंगे। और जो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे लोगों के बुजुर्गों की पेंशन बनवानी रही हो, चाहे महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात हो, चाहे बसों की बात हो, चाहे छोटे मोटे जो समस्याएं आई इलाके के अंदर, पानी की समस्या आई, बहुत बड़ी समस्या आई, इनके अंदर उस व्यक्ति का कहीं पर रोल रहा हो तो आप अवश्य उनके साथ जुड़ें। और मैं लगातार 5-6 साल से इस चीज़ से जुड़ा हूँ और मैंने वो मुद्दे उठाए हैं लोगों के, इसलिए मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आप काबिलियत देखकर वोट डालें। आज आप किसी गलत आदमी को वोट डाल देंगे तो मेहनत करने वाला आदमी भी कल को मेहनत नहीं करेगा, वो कहेगा भी लोगों को तो वोट सही टाइम पर अपना मौके का चौका देखो और उस पर डालेंगे लोग वोट। तो इसलिए मैं तो कहना चाहता हूँ आदमी मतलब काबिल आदमी देखकर आप वोट डालिए, और जो
आपके जन मुद्दों में साथ रहे, आपकी लड़ाई लड़ी है उस पर वोट डाली। आज मैं कह दूं भी मेरे परिवार का कोई लड़ेगा काम मैं कर दूं, ऐसा संभव नहीं है। आप पत्रकार हो, आपको भी ध्यान है, जो व्यक्ति उम्मीदवार है या जो बनेगा काम तो उसी को करना है। जो आजकल को कह दे भी मैं वोट उसको डाल दो और काम मैं करवा दूंगा, ऐसा कभी आज तक तो हुआ नहीं, ना संभव है। ये चीज़ें हवा हवा, ये 15 दिन चुनाव चल रहे हैं, इतने तक चलती है बातें, सब अपने अपने घर, जो जीतते हैं काम तो उसी को करना है। तो इसलिए काबिलियत के आधार पर वोट डालें, वही मेरी तो लोगों से मांग है, नौजवान साथियों से विशेष मांग है कि बदलाव की राजनीति में लाना चाहता हूँ इलाके के अंदर, और आप उस बदलाव की राजनीति का साथ दीजिए और विकास की राजनीति का साथ दीजिए। शुक्रिया बातचीत के लिए। कमल बिस्ला जी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो काबिल आपको लगता है कि आपके जन मुद्दों को जो लगातार कैंडिडेट उठा रहा है और आने वाले समय में जो उठा सकता है, उसी कैंडिडेट के पक्ष में मतदान करके जो है वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाए, ताकि आने वाले समय में आपको जो है वो अपने मुद्दों के समाधान, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दर दर भटकना ना पड़े। एक बार वोट अगर आपने किसी गलती से भी किसी गलत को डाल दिया तो आने वाले समय में 5 साल तक आपको उसका एहसास जो है वो लगातार होता रहेगा। तो ऐसे में मतदाता आज के समय में बहुत जागरूक हैं और जागरूक मतदाताओं से अपील है कि आपके जो लगातार सुख दुख में काम आता रहा है, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, उसके पक्ष में मतदान करके उसे भारी मतों से विजयी बनाइएगा, ताकि आने वाले समय में आपको अपनी समस्याओं के निवारण के लिए किसी के चक्कर ना काटने पड़े, ताकि ऐसे कैंडिडेट को चुनेंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आने वाला हो और लगातार आपके बीच में रहने वाला हो। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी विकास के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।